हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 14 यूनिटी इन डिवर्सिटी पढ़ेंगे। यूनिटी का मतलब होता है एकता और डिवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, अलग अलग तरीके के वेरिएशन। जैसे कि हम सब जानते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवर्सिटी, जैसे कि हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के रिलीजन है, लैंग्वेजेस है और कल्चर है। हमारा इंडिया इन सब चीज़ों से एकदम फुलफिल है, भरा हुआ है। इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो दूसरी और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स है, लैंग्वेजेस है, कल्चर है। एक हमारा इंडिया ही ऐसा है जहाँ पे अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को अपनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, और कोई भी फेस्टिवल हो तो बहुत धूमधाम से हम उस फेस्टिवल का स्वागत करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। हर जात के लोग, हमारा इंडिया ही ऐसा, पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया ही ऐसा कंट्री है कि पूरे वर्ल्ड में हर फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। अलग अलग टाइप के लोग हैं। अब हमारे इंडिया में कौन सी भाषाएँ, कितनी टाइप की भाषाएँ बोली जाती है, कितने टाइप की, कितनी कास्ट है, कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने कल्चर्स हैं, कितने रिलीशंस हैं, अब हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलीजन। अब रिलीजन कौन से हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल 2-3 मैंने लिखे हैं और बाकी आप नोटबुक में पढ़ लेना, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है। ऑल रिलीजन आर इक्वल इम्पॉर्टेंट इन अवर कंट्री। तो जितने भी रिलीजन हैं, और भी बहुत सारे रिलीजन हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि आप सभी जानते हो, पर ये सारे रिलीजन्स को हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप गुजराती हो और हम हिंदू हो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप मराठी हो तो हम मराठी लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं तो हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपना ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, आपका नहीं करेंगे। क्योंकि इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे सब लोग एक होके जीते हैं और हर किसी का फेस्टिवल हर कोई बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करता है। पहले पहले क्या होता था, महाराष्ट्र लोग ही गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते थे, केवल महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इसका गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन होता था। हम टीवी में, न्यूज़ में हर जगह देखते थे कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अब नावटे आप हर जगह देखोगे, हर जगह गणेश, जैसे गणेश चतुर्थी आती है तो हर जगह जगह गली गली आपको दिखाई देगा कि गणेश की, लॉर्ड गणेश की मूर्ति रखी होती है और 10 दिन तक उनकी सेवा करते हैं, उनका सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत खुशी से, उल्लास से हम ये सब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब पहले जैसा नहीं है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर जाति के लोग कहते हैं हर फेस्टिवल को बहुत प्यार से और धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। अब है लैंग्वेज। टोटल हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेज है, 122 लैंग्वेज टोटल हमारे इंडिया में है, लेकिन उसमें से केवल 22 लैंग्वेज आर कुड, केवल 22 लैंग्वेज को ही वैलिड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ने। और वो जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो तो आप जानते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं तो वो ये सारी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं। सबके अलग अलग लैंग्वेज है, मराठी है, गुजराती है, फिर इंग्लिश है, और भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जिनको हम सब जानते हैं कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। कन्नड़ है, तमिल है, जो अपने बिल्कुल समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो टोटल कितनी लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, 122 लैंग्वेज है, उसमें से केवल 22 लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है, उसी को परमिशन मिली है, वही बोली जाती है। अब हम पढ़ेंगे कल्चर। तो हमारा इंडिया का सबसे टॉप लेवल पे आता है, बहुत ही बढ़िया कल्चर है, ठीक है। अब कल्चर डिवर्सिटी इज वाइडली सीन इन आवर कंट्री ड्यू टू द डिफरेंसेस इन रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी। अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, तो हर कोई अपना फेस्टिवल बहुत उल्लास से सेलिब्रेट करता है। जैसे कि फेस्टिवल, जैसे कि होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, गणेश चतुर्थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हर कोई, हमारी इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं और अलग अलग फेस्टिवल अपने तरीके से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डिवर्सिटी। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन
लैंग्वेजेस एंड कास्ट लव एंड ऑनर देयर कंट्री। हमारे इंडिया में एक खासियत है कि हर जात के लोग एक दूसरे की कास्ट का रिस्पेक्ट करते हैं। दे ऑनर देयर रिलीजन फेस्टिवल हर कोई सेलिब्रेट करता है और ऑनर करता है। दे हैव अ फीलिंग, उनके अंदर ऐसी फीलिंग भी होती है। दे हैव अ फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशन, किसी को कहा जाता है नेशनल यूनिटी। उनके अंदर इस टाइप की फीलिंग भी है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, धर्म की रिस्पेक्ट करना, देश की रिस्पेक्ट करना, उसको ही कहा जाता है नेशनलिटी यूनिटी। अब आपको डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो उनका ये नारा है अपने देश को लेके, डॉक्टर राधाकृष्णन स्टार्टेड दैट इफ वी वांट टू सर्वाइव, एज अ नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट नीड ऑफ नेशनल यूनिटी। आया समझ में? तो ये हमें इनका नारा याद रखना चाहिए। दूसरा, इंडिया हैज फॉलो, इंडिया ने क्या फॉलो करा है? इंडिया हैज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब है द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, हमें यही मान के चलना है द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। अब हम पढ़ेंगे एफर्ट्स फॉर डिवर्सिटी एंड इक्वलिटी। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ डिवर्सिटी आर सीन इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत अलग अलग टाइप की डिवर्सिटी दिखाई देती है, जैसे कि आपने हमने लेसन 4 में पढ़ा था गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में हमने पढ़ा था। उन लोगों ने अपने समय पे एक वर्ण सिस्टम निकाला था जिसमें यानी कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, जिसकी वजह से क्या क्या हुआ था कि काफ़ी लोग, काफ़ी जाति के लोग आगे नहीं आ पाए थे, वो वहाँ पे ही अटक गए थे। जैसे कि नीची जाति के लोग हैं, वो लोग रोड के ऊपर चल नहीं सकते, अनटचेबिलिटी थी, किसी चीज़ को छू नहीं सकते, अगर रोड पे चलेंगे तो उनको झाड़ू लगाना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो नीची जाति के लोग थे वो आगे नहीं आ पाए थे, क्योंकि ये वर्ण सिस्टम था महावीर स्वामी के टाइम से उन लोगों ने निकाला था। ये हमने लेसन 4 में भी अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड कास्ट लाइक जनरल ओबीसी एससी। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ये तो हम सब जानते हैं कि हर एक चीज में भेदभाव तो होता ही है, जैसे कि बेसिक नीड ऑफ रिच पुअर यानी कि अमीर गरीब, उसमें भेदभाव पर्टेंसली होगा। मेल फीमेल औरत और आदमी में हमेशा भेदभाव होता ही है। फिर लिटरेट पढ़े लिखा और अनपढ़ है, उसमें भी भेदभाव होगा बट नेचुरल। और फिर अर्बन है रूरल है कास्ट, कास्ट को लेके तो आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और जो लोग अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे से लिटरेट होते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो वो अच्छे एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, हो जाते हैं, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जो लोग अनपढ़ हैं वो लोग पीछे छूट गए हैं, पीछे रहते हैं, वो स्लम्स एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया है, तो ये जो स्टैंडर्ड है ये हर एक चीज़ों को डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जानते हो आदमी और औरत में हमेशा भेदभाव होता है, कहने को है कि नहीं औरत किसी आदमी से कम नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता। ये तो हर कोई जानता है कि हमारे समाज में औरत को वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो दर्जा आदमी को दिया जाता है, कहने को कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो कास्ट है, कास्ट लाइक ओपन जनरल ओबीसी एससी एसटी, ये तो हमने पढ़ा ही होगा, आप सबको मालूम ही होगा कि अलग अलग टाइप की कास्ट होती है, इसमें भेदभाव भी बहुत होता है। जैसे कि ओपन है जनरल है, जनरल वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा, पहले एससी वाले को ओबीसी वाले को। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अमीर तो अफोर्ड कर लेगा ठीक है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अच्छे से कमाते नहीं है, उन बच्चों के लिए भी बहुत कंपल्सरी है एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे के लिए बहुत कंपल्सरी है। इसकी वजह से उस समय पे गवर्नमेंट ने रूल बनाया था
RTE, इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन. इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि जो बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब है, उनको पढ़ा नहीं सकते, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठाएगी. क्योंकि हमारे देश के हर बच्चे को इक्वल राइट है एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हर बच्चा हमारे देश का हर बच्चे को राइट है पढ़ाई करने का. ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है तो उसका खर्चा हमारी गवर्नमेंट उठाएगी. तो तब से ये सिस्टम बनाया है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद से ये सिस्टम फॉलो किया गया. और ये सिस्टम कब फॉलो किया था, 1 अप्रैल 2010 से फॉलो किया था. उसके बाद 2012 से लेके 2020 तक ये गुजरात में भी एप्लीकेबल हो गया है ये रूल्स, ताकि कोई भी बच्चा विदाउट एजुकेशन ना, उनका खर्चा कौन उठाएगा, गवर्नमेंट उठाएगा, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट इम्प्रूव द फैसिलिटीज. गवर्नमेंट ने इसके बाद में बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है गांव में जाके, जैसे कि रोड विलेजेस है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, ड्रिंकिंग वाटर है, जगह जगह पे पानी की सिस्टम सुविधा क्रिएट करती है किसी, यानी कि कोई भी बाहर से आता जाता है, जगह जगह पे आपको पानी की सुविधा मिलेगी, दिखाई देगी. फिर विलेज रोड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, आपको मालूम भी होगा टोल टैक्स वगैरह लेते हैं, तो वो इसीलिए लिया जाता है ताकि हमारे रोड बहुत अच्छे हो जाए और हम बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकें. प्राइमरी हेल्थ है गांव में, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स वगैरह खोल दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से फैसिलिटी मिले. अब कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं करती है. उसके बाद आता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन ऑनर एंड रिस्पेक्ट. औरतों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी का दर्जा दिया गया है. अब आप देखते होंगे कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको वुमेन्स भी दिखाई देती है, जॉब करती है, सब काम में, यानी कि आजकल कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे औरतें नहीं होती, लेकिन पहले इस तरीके का नहीं हुआ था. धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है और कई चीज़ों में नहीं भी हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अब डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया है, का मतलब होता है भेदभाव. और ये तो हम सब जानते हैं, शुरू से ये परंपरा चलती आई है लड़की और लड़कों में भेदभाव होना. जो फ्रीडम हम लोग लड़कों को देते हैं उसके कंपैरिजन में वो फ्रीडम हम लड़कियों को नहीं देते. लड़कों को इसीलिए कहीं भी जाने की हम परमिशन दे देते हैं, लेकिन लड़कियों को एकदम से स्टॉप कर देते हैं, मना कर देते हैं. कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे काम हैं जो हम लड़कों को बोलते हैं लेकिन लड़कियों को मना करते हैं. जो औरतें हैं उनका आधे से ज़्यादा जीवन घर में कुकिंग में निकल जाता है, हाउस होल्ड घर के काम में निकल जाता है. इवन पढ़े लिखे होने के बाद भी आज भी हमारे समाज में कई घर ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, औरतों का घर का काम ही करना चाहिए, वो बाहर नहीं जा सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. परंतु ऐसा नहीं है, आज ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती. लेकिन है हमारे यहाँ आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे औरतों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनको कोई राइट नहीं है फैमिली का कोई भी डिसीजन. अगर फैमिली का कोई भी मैटर है, कोई भी मुद्दा है, तो उसका डिसीजन हमेशा जेंट्स ही लेगा. लेडीज के डिसीजन की कोई मायने नहीं है, कोई भी डिसीजन हो वो जेंट्स लेगा और लेडीज को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है. नॉट टेक होम डिसीजन, फैमिली मैटर अगर कुछ हो तो भी उसको राइट नहीं होता कि उस मैटर को लेके, उस मैटर को लेके, सिलसिले को लेके कुछ बोल सके. अगर वो अच्छा बोलती भी है तो भी उसके डिसीजन को माना नहीं जाता. वो यही सोचते हैं कि जो हमने बोला, हमारा जो डिसीजन है वो भी सही है. ये तो बोलती है वो बिल्कुल सही नहीं, यानी कि बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है. और दूसरी बात, नॉट मूव फ्रीली, और लड़कियों को कहीं भी इजीली जाने की परमिशन नहीं मिलती है. और गर्ल्स आर विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. अब ये तो आपने सुना ही होगा, कई राजस्थान फैमिली है ऐसी जहाँ पे बचपन में ही उनकी चाइल्ड मैरिजेस की जाती है. जब उनको समझ में नहीं होती है, जिस उम्र में उन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता, समझ नहीं आती है कि चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या है, ऐसी उम्र में उनके पेरेंट्स उनकी शादी फिक्स कर देते हैं. गर्ल्स आर विक्टम्स, यानी शिकार, विक्टम्स का मतलब शिकार हो जाती है ऑफ चाइल्ड मैरिजेस.
फिर डबरी सिस्टम है, पर्दा सिस्टम है, इस सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डबरी सिस्टम है, पर्दा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन अभी पहले से तो अभी भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। और दूसरी बात ये कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वुमन्स डे है, मदर्स डे है, सेलिब्रेट हम सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ की कमी हमेशा रहती है कि हम हमारे वुमेंस को वो दर्जा नहीं देते जो दर्जा हमारे जेंट्स को मिलता है। जो लड़कों को दर्जा मिलता है वो दर्जा लड़कियों को हमारे समाज में नहीं दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है भेदभाव। आया समझ में? थैंक यू।